दोस्तों नमस्कार। आज हम आपको बॉडी फिटिंग शर्ट की कटिंग बताने जा रहे हैं। इनका मेजरमेंट है टाइट फिटिंग शर्ट की कटिंग है। इसकी लेंथ है 28.5 इंच, चेस्ट सीना है 33.5 इंच, कमर 28 इंच और हिप सीट 35, शोल्डर 17.5 17.5 इंच और अस्थि लंबाई 26.5 इंच। और जो शर्ट की जो ढिलान काटेंगे वो 1.25 इंच से है। वैसे डेढ़ इंच भी टाइट फिटिंग में आता है, 0.5 इंच आपका काज बटन के लिए और 0.5 इंच सिलाई में लगेगा, तो ऑलरेडी 1 इंच तो आपका उसमें चला गया, बॉडी फिटिंग फिक्स हो गया। अब 0.5 इंच लूज भी मांगते हैं, मगर मेरे हिसाब से 0.5 इंच ज़्यादा टाइट हो रहा है, इसे 0.25 इंच और उसको बढ़ा देते हैं। फिर भी आप 0.5 इंच से भी काट सकते हैं, मैं 1.25 इंच यहाँ पर ढिलान से काट रहा हूँ। कॉलर है 1.15 इंच, कफ की लंबाई है 1.25 इंच, चौड़ाई 2.5 इंच। दोस्तों एक कई हमारे दोस्तों ने एक बात कही है कि आप लंबाई लेते हो तो ऊपर से लेते हो, जो शोल्डर के ऊपर से यहाँ पर ये चित्र आपको दिख रहा है, यहाँ पर से चाहे आप यहाँ से ले यहाँ से ले, अपनी अपनी ये है। बाकी यहाँ पर ये कई शोल्डर को उथला काटते हैं, शोल्डर को तो ये पतला आ सकता है, 1 इंच भी आता है और कई का तो 1.25 इंच आता है, कई का 1.25 इंच, कई का 1.5 इंच, तो उसमें असमानता होने की संभावना अधिक रहती है। तो मेरी कटिंग इसमें इसलिए ऊपर से है कि इसमें कोई संभावना नहीं रहता। और दूसरी बात, आप यहाँ से काटोगे शोल्डर से तो यहाँ सिलाई के लिए 0.5 इंच अधिक दोगे, इधर नीचे है इधर 0.5 इंच सिलाई के लिए अधिक दोगे, तो इसमें यहाँ पर से हम नाप लेंगे तो बिल्कुल नाप के फिक्स से काट, इसलिए दोनों अलग अलग नहीं एक ही है, आप इसमें शंका मत कीजिए। और मेरे ये हिसाब से ये मेरे को ज़्यादा उपयुक्त लगा, इसलिए आपको मैं यहीं से बता रहा हूँ। बाकी आप आपके अपने हिसाब से लंबाई दीजिए, अपने हिसाब से लंबाई के लिए कोई दिक्कत नहीं है, ना आपको है ना इस कटिंग में कोई अंतर पड़ेगा, उसके हिसाब से आप काट सकते हैं। तो शुरू करते हैं। एक किनारी को हम काट कर निकालेंगे दोस्तों, किनारी छोड़ के हम 1.25 इंच प्लेट के लिए दे रहे हैं। नीचे ऊपर रहेगा। अब इनका लंबाई है, लेंथ है 28.5 इंच, तो कितना नाप लिए हैं उसी में ले रहे हैं 28.5 इंच। अगर आप अपने हिसाब से शोल्डर छोड़ के नाप लेते हैं तो 0.5 इंच सिलाई इधर से बढ़ाते हहैं, ज़्यादा देते हैं नीचे, और 0.5 इंच इधर ज़्यादा देते हैं, 1 इंच ऑलरेडी आपके हिसाब से हुआ और मेरे हिसाब से वो फिक्स ले रहे हैं। आखिर दोनों का तात्पर्य एक ही है, चाहे मेरे हिसाब से आप लो या आपके हिसाब से। तो इसका 28.5 इंच का लंबाई दोस्तों, और 33.5 के लिए 2.25 इंच शोल्डर के लिए। अब इनका चेस्ट है 33.5 इंच, ये 33.5 इंच, तो इसका 1/4 हुआ 8.5 में 1 फुट कम, तो उससे हम 1 इंच कम लेंगे, 8.5 में 1 फुट कम में ये 7.5 में 1 फुट कम,
और सेंटर कमर का सेंटर है, लगभग ये लंबाई के समथिंग समथिंग आधा होता है ये, तो 14.25 आधा हुआ, तो आप आधा पौने जाओ नीचे कर सकते हैं, ये 14.5 दे रहा हूँ। अब ये 8.5 ठीक मार्का लगा लीजिए, 8.5 का ये मेन सूत कम, और पौने दो ढिलान, कमर आपका 28 है, 7 × 28 एक चौथाई हुआ, इसमें भी यहीं पर वही 1.25 बढ़ा दीजिए। अब इनका 35 इंच सीट है, एक चौथाई कितना हुआ, 1.25 35 इंच में। अब आधा इंच कार्टन के लिए दबेगा, आधा इंच सिलाई, 1 इंच ऑलरेडी ये 1 इंच हो गया, इसे फिक्स आएगा। अब इसमें से आप आधा इंच बढ़ा सकते हैं, आधा इंच या 1/4 इंच भी बता कर सकते हैं, 1/4 इंच दे रहे हैं, आधा इंच कार्टन के लिए, आधा इंच सिलाई 1 इंच हुआ, और 1/4 इंच ढीला दे रहे हैं, इसको 1.5 भी कर सकते हैं, 1.5 कर देते हैं। 17.5 इसका शोल्डर है, उसका आधा हुआ 1/4, ये 1/4, उसमें हम 1/4 इंच सिलाई के लिए अधिक दे रहे हैं, अर्थात 9 इंच। अब ये 14.5 कलर के लिए ये 2/3, यहां से 2/3 ये पर्याप्त है। अब इसको सीधी रेखा खींच देते हैं दोस्तों, बिल्कुल ये समानांतर रेखा है, अब यहीं पर इसको हम यहां से दे रहे हैं 1/2 इंच, तो ये इसका जो आर्म होल है वो कम आ रहा है, तो और दूसरी बात टाइट फिटिंग है, तो इसका जो चेस्ट है 8.5 में एक सोट, उससे हम आधा इंच कम, और इसको मिला दीजिए सिर्फ आधा इंच। जो गहरा वाली भाग है ऐसे उल्टा पकड़ा हूं, आप बिल्कुल देखिए गौर से, इसको 1/2 इंच ओपन के लिए दिए हैं, ये से पाएगा। आप यही जहां पर हम नाप लिए वहीं से अब आप आधा कीजिए, इस 1/4 से आधा इंच कम, अब कटने के बाद ये लगभग लगभग ये कुछ और कम आ रहे हैं, इसलिए बिल्कुल सही है ये, आप यहाँ से यहाँ पर मत लीजिए, आप आधा इंच कम यहाँ पर मत लीजिए, नहीं टाइट हो जाएगा। ये जो 1/2 इंच दिए हैं वही से आप कलर के लिए राउंडिंग बना लीजिए, बस गोल शेप दे दीजिए दोस्तों, या मिलाते हो गया।
फिटिंग है, पर्याप्त कपड़ा है, इसको आप और ना प्रिंट वगैरह समस्या है, चेक मिलाने की समस्या नहीं है, तो इसको एक पल्ला और काट लीजिए, एक साथ दोनों भी काट सकते थे। सवा दस से आधा इंच कम कपड़ा लेंगे, सवा दस में आधा कम कर दिए, पौने दस। आधा इंच का पिंड छोड़ के पीछे पल्ला से छोड़ के आगे पल्ला को रख रहे हैं। ये आपका अगला पल्ला के मार्का है, उससे हम आधा इंच ऊपर एक मार्का लगा रहे हैं। अब यहां से सीधा हम शोल्डर के आधा से 17.5 शोल्डर है तो उसका आधा हुआ 9.25, उससे मात्र एक सूट अधिक दे रहे हैं पीछे पल्ला को। इसको 12 इंच ज्यादा अधिक दिए, इसको मात्र एक सूट, इसलिए कि पीछे शोल्डर जो पीछे भाग कम करता है सामने की अपेक्षा। और ये जो पीछे है यहाँ पर, यहाँ वाला नीचे भाग, ये आपका ठीक सीना के चेस्ट के बिल्कुल 1/4 भाग, 33.5 है तो उसका 1/4 हुआ 8.5 में एक सूट कम, बिल्कुल उसको कम मत दीजिए नहीं तो जो टाइट लगेगा। इसको सीधा जो आधा इंच छोड़ के दिए उसे सीधा लाइन खींच रहे हैं, इसको 1/4 इंच ये क्रॉस दे दिए, मात्र 1/4 इंच कहिए या थोड़ा सा 1.5 फुट। अब ये राउंडिंग भाग से आप इसको मिला दीजिए। आगे हम 2.25 आगे हम 10.25 से काटे हैं, उससे हम 3 इंच कम
ये दस में एक सूत अगला को काटे हैं हम, दस में एक सूत आगे को, उससे हम तीन इंच का अस्थि इंच काटेंगे। दस में एक सूत अधिक है, तीन इंच कम किए तो सात में एक सूत अधिक, ये सात में एक सूत अधिक। साढ़े छब्बीस अस्थि लंबाई है, उससे एक इंच कम, साढ़े छब्बीस में एक इंच कम कर दिए साढ़े पच्चीस, और इसको हम साढ़े चार दे रहे हैं, साढ़े चार सवा चार भी ठीक है, अगर ये ज्यादा चेष्टक होता है छत्तीस सैंतीस अड़तीस तो इसको हम ज्यादा देते, मगर सवा चार भी ठीक आएगा, सवा चार दे रहे हैं इसको यहाँ पर, तो साढ़े तैतीस के लिए सवा चार ठीक है। अब ये साथ में एक शुद्ध कम दिए अधिक दिए हैं, सीना जो काटे हैं दस में एक शुद्ध, उससे हम तीन इंच कम कपड़ा लिए, उससे हम आधा इंच यहां पर एक मार्कर लगा रहे हैं, ये सात इंच एक शुद्ध टेप रखे और आधा इंच एक मार्कर यहां पर लगाए। अब सवा नौ के लिए छः में एक सूत में थोड़ा डाट आता है, तो टाइट फिटिंग है, तो उसमें आपका साढ़े चार, ये आपका ये कप हो गया साढ़े चार में एक सूत, आधा इंच सिलाई में दबेगा तो हो गया पाँच में एक सूत। अब फोल्ड देना है तो फोल्ड में थोड़ा सा छोटे देंगे, टाइट फिटिंग है, तो इसको हम साढ़े पाँच में एक सूत अधिक, साढ़े पांच में एक सूत अधिक दे रहे हैं। ये आपका कप हो गया साढ़े चार, यानी एक इंच कप के लंबाई से एक इंच अधिक, साढ़े चार में एक सूत है उसमें एक इंच बढ़ा दे साढ़े पांच में एक सूत। सीधी रेखा खींच दीजिए और जो आधा इंच छोड़ के एक जो मार्कर लगाए हैं वहां से आप इसको सीधा लीजिए। ये लगभग लगभग आपका साढ़े दस, साढ़े दस के आसपास एक मार्कर और लगा लीजिए, मैं कोहनी कहिए या कोहनी से थोड़ा ऊपर। अब ये जो कम राउंडिंग वाली भाग है यहां से आप इसको मिलाते हुए कम राउंड वाली भाग में ले सकते हैं, कमे राउंड में ठीक रहेगा। इसको इसलिए दे रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर आपका टाइट आ गया, इसके हिसाब से देंगे तो क्या होगा, ये जो मुंडा है आर्म होल है ये कम आएगा, पन्ने वाले को आरामदायक नहीं लगेगा, तो इससे हम बढ़ाए आधा इंच अधिक दिए तो इसका जो मुंडा है ये आर्म होल है ये उसका सही बैठेगा, ढीला रहेगा और ये पूरा टाइट रहेगा, आपका चेस्ट भी टाइट रहेगा, मगर ये मुंडा में आप टाइट मत दीजिए। बिल्कुल मिलाते हुए सेंटर सेंटर क्रीप पड़ेगा, तो इसके लिए दो इंच के आसपास इसको ये कर दीजिए, अगर सेंटर क्रीप नहीं होता तो आधा इंच छोड़ के करते इसको हम, इसको आधा इंच छोड़ के ये सेंटर क्रीप है, सेंटर क्रीप का थोड़ा दूसरा प्लेट सामने दिखना चाहिए।
ये लगभग लगभग 5 इंच, 5 इंच से कम मत दीजिए। इसको 2 इंच दिए। अब ये बन गए दोस्तों, ये पीछे वाली भाग बन गया। अब सामने सामने को हल्का सामने, ज्यादा टाइट फिटिंग में आप बिल्कुल ज्यादा आगे पीछे मत काटिए। बिल्कुल ये दोस्तों आप ये बहुत कम कपड़ा है, आधा इंच भी नहीं, आधा इंच में सूत कम निकला है, नहीं कि बतौर हम इसको आगे पीछे बनाएं। लाइनिंग वाले दोस्तों लाइनिंग मिला लीजिए। ये 5.5 डिग्री है दोस्तों, इसको कम मत दीजिए। टाइट फिटिंग हो या लूज फिटिंग हो, ये जो आर्म होल है वो बिल्कुल ढीला रहना चाहिए, तभी आपका शर्ट अच्छा लगेगा। जरूरत के हिसाब से अस्तिन के भुजा है, ये आपका ये टाइट हो गया, यहाँ आपका ढीला थोड़ा सा मिल गया, और चेस्ट है, चेस्ट आपका चिपका हुआ है। और दूसरी बात, आप अगर और इससे 1.25 दिए हैं तो 1.5 में काटना चाहते हैं, 1.25 ही काटिए इसको। आप यहाँ पर आप मार्जिन दे के 1.25 दबा दीजिए और बढ़िया बात है, ताकि वो सामने वाले कभी टाइट लगे कहे तो इसको खोल दीजिए, या आधे सिले तो ढीला करके दबा सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। साढ़े सत्रह का हाफ हो 1.5, उससे हम आधे ही से अधिक कपड़े ले रहे हैं। सवाल ये थोड़ा लाइन वाले लाइन में लाइन मिला के शोल्डर काटेंगे। ये 2 इंच एक सूत, इधर भी 2 इंच एक सूत। अब 8.5 पीछे पल्ला काटे, 8.5 में एक सूत, 1.5 इसका ये हुआ, और एक सूत बढ़ाए तो 9 में एक सूत कम, ये पीछे का शोल्डर। अब यहाँ से इस तरफ इसके अपेक्षा 1.25 इंच अधिक, 9 में एक सूत कम दिए, इसमें एक सूत अधिक यानी 1.25 इंच एक्स्ट्रा अधिक हुआ यहाँ पर। इसको कलर का 1.5 दिए, ये 1.5 जितना कलर दिए उतना, और यहाँ से आप लगभग लगभग 1 इंच, 1 इंच या 1 इंच में एक सूट कम, उससे अधिक मत दीजिए।
तो बढ़ा दे रहे हैं ताकि ग्रास न्यू आ जाए सही। इसको हम 2 इंच दे रहे हैं, इसको कई लोग 1.5 इंच भी काटते हैं तो इसी में सब कुछ बिगड़ जाता है। जब ये पतला आता है तो उसमें लंबाई में अंतर जाते हैं। मेरे शोल्डर से यहाँ से ऊपर से नाप लेने का तात्पर्य यही है। अब दूसरी बात, इसको कम काटेंगे तो आपका कालर पीछे सामने ऊपर उठ जाएगा। तो इसको पूरा सही इसको खाद दीजिए, 2 इंच गहराई दीजिए और इसको ऐसे मिलाते हुए हेडसेटिक कटिंग में इसको मिला के बताता हूँ दोस्तों। ये बराबर बराबर सही आते है, इधर एक्स्ट्रा देने से गोल ऐसे बैठता है। बिल्कुल ऐसे से बराबर आएगा। इसको हम बराबर देते तो ज्यादा घर आता तो इसमें फिटिंग और अधिक आता है। आप सिलने समय छोटा बहुत बड़ा होता है तो आप मिलाते बन जाता है। बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, और इसमें कुछ भी शंका समाधान शिकायत है जरूर कमेंट कीजिए। आपके कमेंट ही मेरा हौसला बढ़ाता है। धन्यवाद।